तो यहाँ पे देखते हैं कि रैंडम नंबर्स के जरिए हम इस पे डेटा को कैसे फिल कर सकते हैं। रैंडम नंबर के जरिए डेटा को फिल करने के लिए हमें इस प्रोसीजर शीट के अंदर पहले यहाँ पे हमने आइटम के नाम लिख लिए हैं सारे, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने उनके मंथ्स के भी नाम लिख लिए हैं, और फिर यहाँ पर हमने नीचे की तरफ जो है सेल्स पेन के नाम भी लिख लिए हैं। अब यहाँ पे रैंडम नंबर कैसे जनरेट करेंगे इसको देखना है। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा फार्मूला में जाके और मैथ्स में जाके, एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन जो फंक्शन है उसके दरमियान में से हमने एक से लेके और कितने हमारे पास यहाँ पे आइटम के नाम है 10, तो एक से लेके 10 के दरमियान के रैंडम नंबर हमने यहाँ पे जनरेट कराने। जैसे ही ओके करेंगे तो इसने एक 5 नंबर हमें रिटर्न कर दिया। यहाँ से हम इसको ड्रैग करके लाएंगे नीचे, तो यहाँ पर हमने इसको इतने सारे रैंडम नंबर हमने दे दिए। तो ये इसने हमारे पास जो है 1 से लेके 10 तक के रैंडम नंबर इसने जनरेट कर दिए। यहाँ से हमने फार्मूला में गए, कमांड्स एंड ट्रिक्स पे क्लिक किया, रैंड बिटवीन एक फंक्शन यूज़ किया और यहाँ से लेके 1 से लेके 10 तक के रैंडम नंबर हमने जनरेट कर दिया। और यहाँ पे क्लिक करके 10 तक के इसलिए किए गए हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो इसका आइटम का नाम है, हमारे पास 10 हमारे पास जो है, हमारे पास जो 10 आइटम है इसलिए 1 से लेके 10 तक के रैंडम नंबर जनरेट किए हैं। अब यहाँ पर जो रैंडम नंबर जनरेट हो चुके हैं वो सारे के सारे रैंडम नंबर हमने यहाँ पे जनरेट इसलिए कराए हैं ताकि हम इस रैंडम नंबर के ज़रिए यहाँ से आइटम्स को यहाँ पे फिल करेंगे। तो कैसे करेंगे फिल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लुकअप एंड रेफरेंस का फंक्शन लॉन्च करेंगे, वी लुकअप, और उसके बाद रेफरेंस करेंगे वैल्यू को, और यहाँ पर टेबल एरे में जाके, अब यहाँ पर टेबल एरे में क्या लिखेंगे, तो हमने इसका टेबल का नाम देना था जो हमने नहीं दिया, तो पहले हम इसको एक नाम देंगे। कैसे देंगे इसको नाम, तो हम पहले इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से जाके फार्मूला में जाके डिफाइन नेम में इसका नाम दे देंगे। जैसे हमने इसका नाम दे दिया एक्स आइटम, ठीक है, तो एक्स आइटम हमने इसका नाम दे दिया। अब करेंगे इसको यहाँ पे फैच, तो कैसे करेंगे, यहाँ से एक फंक्शन लॉन्च करेंगे लुकअप एंड रेफरेंस में वर्टिकल लुकअप, और यहाँ से रेफरेंस करेंगे इस नंबर का, और यहाँ पे टेबल एरे में उसका नाम लिखेंगे। जैसे उसका नाम हमने दे दिया एक्स आइटम, उसके बाद इसका कॉलम नंबर 2 का जिक्र करेंगे, तो कॉलम नंबर 2 से ये वैल्यू मैच करके लाएगा, और मैच टाइप को 0 कर देंगे यानी कि फॉल्स, ताकि जो एग्जैक्ट है वही मैच करके लेकर आए। ओके करेंगे तो देखो 4 नंबर पे यहाँ पर कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को यहाँ ले आया। अब जैसे जैसे हम ड्रैग करेंगे तो जो जो नंबर आगे आ रहा है वही नंबर यहाँ पे ड्रैग होके यहाँ पे आपको नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके हमने फिर क्या करना है कि यहाँ से आगे जाना है और फिर इसी तरीके से मंथ्स को भी रैंडमली जनरेट करवाना है। सेलेक्ट करेंगे यहाँ से फार्मूला में जाके, डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स मंथ्स और इसको ओके करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे क्लिक करके लुकअप एंड रेफरेंस में वर्टिकल लुकअप पर जाके यहाँ से एक नंबर जनरेट करेंगे, और उसका नाम होगा हमारा वही रैंडम नंबर को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है कि मंथ्स की जो क्वांटिटी है वो 12 है और हमारे रैंडम नंबर जो जनरेट हुए हुए हैं वो 1 से लेके 10 में है, तो इसी फार्मूले को एडिट करेंगे और यहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, 10 की जगह पे 12 लिख देंगे। और लिखने के बाद हम जैसे इसको लिख देंगे यहाँ पे और इसको यहाँ से क्लिक करके हम क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, तो सारे रैंडम नंबर अपडेट हो जाएंगे 1 से 12 में। लेकिन यहाँ पे जब हम ये काम करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो अभी हम इसको अंडू करते हैं, और अंडू करने के बाद हो ये रहा है कि ये नंबर के ज़रिए डेटा यहाँ पर आ रहा है। अब मसला ये है कि हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको हम करेंगे होम में जाके कॉपी, और वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे फार्मूले से। तो कैसे करेंगे, यहीं पर रख के इसको कर देंगे पेस्ट वैल्यूज़। जैसे ही पेस्ट वैल्यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ अपडेट हो जाएंगी। जब वैल्यूज़ अपडेट हो जाएंगी तो अब आप इस फार्मूले को यहाँ पे अपडेट कर दें, अपडेट करने में अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब देखेंगे 1 से लेके 12 तक के 100 रैंडम नंबर हमने यहाँ पे दोबारा से अपडेट कर दिए। अब उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, दोबारा से इसी फंक्शन को लॉन्च करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके लुकअप वर्टिकल पे, और फिर यहाँ से लेंगे क्लिक करके, यहाँ पर से हम रेफरेंस करेंगे एक रैंडम नंबर का, और क्लिक करेंगे यहाँ पे, और क्लिक करेंगे फार्मूला वाले सेल पर, तो यहाँ से आप लेंगे एक्स मंथ, तो एक्स मंथ लेके आप जैसे इसका 2 लिखेंगे कॉलम से डेटा देगा, 0 करेंगे, ओके करेंगे,
तो यहाँ पर ये एक मंथ को ले आएगा और ड्रैग करेंगे तो उसी रैंडम नंबर के हिसाब से ये मंथ्स ले आएगा। हम दो चार दफ़ा इस रैंडम नंबर को अपडेट करा लेंगे और उसके बाद इसके साथ भी वही करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, पास्ट वैल्यूज। सेल्समैन का डेटा, सेल्समैन हमारे पास कितने हैं, चार सेल्समैन हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, फार्मूला में जाएंगे, डिफाइन नेम पर क्लिक करेंगे, एक्स सेल्समैन के नाम से एक एंट्री कर देंगे जो कि यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर फार्मूले को अपडेट कर देंगे, वन से लेके फोर तक के सेल्स मैन का डेटा को अपडेट कर देंगे, ड्रैग कर देंगे नीचे तक आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके वर्टिकल लुकअप पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप एक रैंडम नंबर का जो एक रेफरेंस लेंगे और उसका नाम लिखेंगे जो आपने रखा है एक्स सेल्स मैन, उसको क्लिक करके और एक्स सेल्स मैन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से कॉलम नंबर टू का जिक्र करेंगे, यहाँ पर रेंज लुकअप में जीरो रखेंगे और इसको ओके करेंगे। तो यहाँ पर भी देखें सेल्समैन के नाम रेंडमली आ जाएंगे और इसको हम दो चार दफ़ा कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद कॉपी करके पास्ट वैल्यूज कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, प्राइस, प्राइस में अब इस कॉलम में जो नंबर हमने लिए थे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सेलेक्ट करके उनको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फार्मूला में जाएंगे, मैथ्स एंड ट्रिक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रेड बिटवीन पे क्लिक करेंगे, एक और रैंडम नंबर जनरेट करेंगे एक सीरीज़ के दरमियान में। तो रेड बिटवीन हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर हमने लिखा सपोज टू बी, अब जो रैंडम नंबर ले रहे हैं वो 100 से 500 के दरमियान में हो, उसको क्लिक करके ओके करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर देखें एक से लेके 500 के दरमियान के रैंडम नंबर जनरेट हो जाएंगे। इन नंबर्स को भी दो चार दफ़ा कैलकुलेट करने के बाद हम इसको भी होम में जाके कॉपी करके पास्ट वैल्यूज़ करेंगे और ये हमारा डेटा रैंडम नंबर से फिल हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया कि अगर हम कोई भी ट्रिक यूज़ करते हैं, कॉपी पेस्ट की ट्रिक यूज़ करते हैं, तो हर कॉपी पेस्ट का आइटम उतनी ही बार पेस्ट होता जितनी बार हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो वो तो एक सीक्वेंशियल डेटा हो जाता। जब भी कभी आपको रैंडम डेटा चाहिए होता है तो उसके लिए आपको रैंडम नंबर चाहिए होंगे, तो रैंडम नंबर के ज़रिए हम उस डेटा को रैंडमली ले लेते हैं। अब ये जो डेटा हमने यहाँ पे फिल किया, हमें नहीं पता कौन सा डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है और वो यहाँ पे किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, सही है?